दोस्तों, ज्वालामुखी का नाम तो आपने सुना होगा, हो सकता है कि शायद आपने उसे देखा भी हो। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित एक ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। विस्तृत है, यह पृथ्वी की ऊपरी परत में एक विभंग होता है जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी के लिए विशाल झरोखों की तरह हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह में खुल रहे हैं। जब वे सक्रिय होते हैं तो वे कभी कभी हिंसक और शानदार विस्फोट में राख, गैस और गर्म मैग्मा को बाहर छोड़ते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ज्वालामुखी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल छोटू नाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप उसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि हमारे आगे के वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, भारत में केवल एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, वो भी बैरन आइसलैंड पर। यह ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ का ज्वालामुखी अंतिम बार 28 मई 2005 में फटा था। तब से लेकर अब तक इसमें लगातार धीरे धीरे करके लावा निकल रहा है। लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में फैला बैरन आइसलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 500 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर मौजूद है जिसे मोना लोआ के नाम से जाना जाता है। जब ज्वालामुखी फटता है तो लावा के बहने और जमने से उल्टे फनल के आकार का पर्वत बन जाता है और उसके मुंह पर गड्ढा हो जाता है जिसे क्रेटर या फिर ज्वालामुखी कहते हैं। दुनिया का सबसे भयानक ज्वालामुखी इंडोनेशिया के आइलैंड बाली के अगुंग पर्वत पर स्थित है। इंडोनेशिया के इस ज्वालामुखी के बारे में यह आशंका जताई जाती है कि यह ज्वालामुखी पिछले 50 वर्षों से फटा नहीं है। अगर यह फटता है तो काफी मात्रा में बर्बादी आ सकती है। इंडोनेशिया के इस ज्वालामुखी को शांत करने के लिए यहाँ के स्थानीय निवासी पूजा पाठ करते रहते हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया के इस ज्वालामुखी के आसपास लगभग 62,000 लोग डेंजर जोन में रहते हैं। इंडोनेशिया का यह ज्वालामुखी 1963 से शांत है, लेकिन अब इसमें फिर से हलचल शुरू हो गई है। जापान का फुजी वोल्केनो इस संसार का सबसे सुंदर ज्वालामुखी है और यह ज्वालामुखी जापानियों को बहुत प्रिय है। फिलिपीन का मेन भी एक सुंदर ज्वालामुखी है जिसे फिलिपीन का फुजी कहा जाता है। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का सेंट हेलेंस सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि ज्वालामुखी न सिर्फ पृथ्वी पर बल्कि दूसरे ग्रहों पर भी होते हैं। मंगल ग्रह पर ओलंपस मॉन्स नाम का ज्वालामुखी इस सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। दोस्तों, ज्वालामुखी एक पहाड़ के आकार का होता है जिसके नीचे पिघले लावा का तालाब बना होता है। ये लावा जमीन के नीचे जियोथर्मल एनर्जी के कारण ही पत्थर को पिघलाते हैं जिससे लावा का निर्माण होता है। इन ज्वालामुखी के नीचे पिघले हुए पत्थरों और गैसों को मैग्मा कहते हैं। ज्वालामुखी के फटने के बाद जब मैग्मा बाहर निकलता है तो इसको ही लावा कहते हैं। ज्वालामुखी के फटने से गैस और पत्थर ऊपर की ओर निकलते हैं, लेकिन लावा जमीन पर बहता है और गर्म राख भी हवा के साथ बहने लगती है। ज्वालामुखी के फटने से जमीन के नीचे हलचल मचने से भूस्खलन और बाढ़ भी आ सकती है। ज्वालामुखी फटने के बाद उसके दायरे में आने वाले लोगों को काफी भयंकर चोट भी लग सकती है। ये चोट लगने का मुख्य कारण ज्वालामुखी से निकलने वाली राख में पत्थर के छोटे छोटे कण होते हैं। इन्हीं से घातक चोट इंसानों को या फिर इसकी चपेट में आने वाले जीव को लग सकती है। ज्वालामुखी से फटने से निकलने वाला पत्थर बिल्कुल कांच की तरह होते हैं। ज्वालामुखी से फटने से निकलने वाली राख सभी तरह के जीवों को नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 80% से ज्यादा हिस्सा ज्वालामुखियों के फूटने से बना है। इन ज्वालामुखियों से निकलने वाला लावा करोड़ों साल पहले जम गया था, इसी कारण से जमीन की सतह का निर्माण हुआ है। समुद्र तल
और कुछ पहाड़ का निर्माण भी ज्वालामुखियों के लावा के कारण हुआ है। ज्वालामुखी के फूटने के बाद उससे निकली गैसों से वायुमंडल की रचना हुई। पूरी दुनिया में लगभग 500 से भी अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इनमें से आधे से ज्यादा तो रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखियों की हार जैसा है, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। दोस्तों, ज्वालामुखी का हैरतअंगेज फैक्ट एक ये भी है कि दुनिया के कई देशों में तो ज्वालामुखियों की पूजा की जाती है। दोस्तों, 1982 में ज्वालामुखी की तीव्रता मापने के लिए 0 से 8 के स्केल वाला VEI इंडेक्स यानी कि वोल्केनो एक्सप्लोजिव इंडेक्स बनाया गया है। 0 से 2 स्कोर वाले ज्वालामुखी हर रोज फटने वाले ज्वालामुखी होते हैं। इनसे फटने से किसी को कुछ खास नुकसान नहीं होता। 3 स्कोर वाले ज्वालामुखी का फटना नुकसानदेह माना जाता है और यह ज्वालामुखी हर साल फटते हैं। 4 और 5 स्कोर वाले ज्वालामुखी दशक या एक सदी में एक बार फटते हैं। 4 और 5 वाले ज्वालामुखी का लावा 25 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ तक उड़ सकते हैं। 6 से 7 स्कोर वाले ज्वालामुखी के फटने से भयंकर सुनामियों का निर्माण होता है या बहुत ही तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। इस पृथ्वी पर 8 स्कोर वाले ज्वालामुखी बहुत ही कम हैं। ऐसा माना जाता है कि पिछला विस्फोट ईसा से 24,000 वर्ष पहले हुआ था। इंडोनेशिया देश में 2010 के मेरापी ज्वालामुखी के फटने से हजारों लोगों की मौतें हो गई। इस आइलैंड में ज्वालामुखी के फटने से पूरी यूरोप देश में ज्वालामुखी राख के बादल छा गए थे और हवाई उड़ानों को भी प्रतिबंधित करना पड़ा था। दोस्तों, क्राकातोआ सन 1883 में फटा था जिसमें सुनामी आ गई थी और इस सुनामी में लगभग 36,000 लोगों की मौत हो गई थी। 24 अक्टूबर ईस्वी सन 1979 में वेसुवियस ज्वालामुखी फटने से एक अनुमान के मुताबिक लगभग 16,000 लोगों की मौत हो गई थी। 1902 में मार्टिनिक में ज्वालामुखी फटने से लगभग 30,000 लोग मारे गए थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट छोटूनाई.com पर भी विजिट कर सकते हैं।